सकेंगे। और अभी थोड़ी देर में ये लाइव हो जाएगा, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इसकी जो है वो इनॉग्रेशन है या इसकी सिर्फ सेरेमनी है, बल्कि आज जो है ये केक उसी वक्त कटेगा जब आपके पास लिंक होगा, आप इसको टिकट्स को बाय करके, और आप खुद से आज से यानी हमारी जिंदगी की में आज के बाद जो है वो ट्रेवलिंग टाइम टू ट्रेवल के साथ ही होगी और अपने BFIC के साथ ही होगी। और इवन जो अभी तक BFIC बाय कर चुके हैं, जिनके पास BFIC है, जो उसको होल्ड करके रखे हुए हैं, और उनके लिए बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उनके लिए तो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट बन जाएगा अगर किसी ने 18-20 की प्राइस पर बाय कर रखा है, और जब वो टिकट बाय करने जाए और उस वक्त लेट सपोज 40 का हो, तो इसका मतलब है टिकट का प्राइस तो ऑलरेडी 50% रह गया। अगर उस वक्त प्राइस $100 हो BFIC का, तो इसका मतलब है प्राइस ऑटोमेटिकली 20% रह गया। तो ये एक अलग से इंसेंटिव्स हैं जो BFIC की प्राइस से जुड़े हुए हैं। तो ये एक तरह से बहुत ही जबरदस्त और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसमें सबसे पहले जो बेनिफिट है वो जाहिर है कम्युनिटी के लिए, क्योंकि आज ये बात आपसे शेयर हो रही है, बाकी दुनिया को तो ये बाद में पता चलेगी, कल पता चलेगी, परसों पता चलेगी, महीने बाद पता चलेगी, 6 महीने बाद पता चलेगी, लेकिन वो लोग जो अर्ली, क्योंकि अर्ली एडवांटेज होते हैं हमेशा हर जगह पर जो है वो अर्ली आने के एडवांटेजेस होते हैं। तो इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से टाइम टू ट्रेवल जो है वो बिल्कुल आज लाइव होने के लिए जा रहा है। आप देख रहे हैं केक के ऊपर भी आपको ताजमहल दिख रहा होगा, ये अच्छा, तो गाइस जल्दी से अपने लोगों को शेयर करें, क्योंकि आज बी लव के हवाले से बड़ी एक बड़ी न्यूज़ है आपके साथ शेयर करने वाली। दुबई के 8 बजे टाइम टू ट्रेवल का लिंक आपके साथ शेयर होगा, और इसमें आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी ये है कि जो भी मेंबर सबसे पहले टिकट बाय करेगा, यानी कि आप अपना फंड डिपॉजिट करके जो भी पहले सबसे पहले कहीं की भी टिकट बाय करेगा, उसकी वो टिकट जो है उसको उसकी टिकट के पैसे कंपनी जो है वो वापस रिटर्न कर देगी। तो ये एक सरप्राइज है जी टाइम टू ट्रेवल के वाले से आप लोगों के लिए। और पेमेंट गेटवे आपको पता है कि BFIC है, तो देख लें, जो फ्री में टिकट लेना चाहता है वो जैसे लाइव हो टाइम टू ट्रेवल, आपने क्या करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है उसके ऊपर, और वहां पे डिपॉजिट करके टिकट बाय करनी है आपने। जो भी पहला बंदा होगा जो टिकट बाय करेगा, उसको कंपनी की तरफ से रिटर्न हो जाएगी उसकी टिकट की वैल्यू और उसके पैसे, टिकट जितने की भी हो, डजन मैटर, कोई मसला नहीं है। तो आज की मीटिंग जो है वो टोटली टोटली अगर हम कहें तो ये बी लव और इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर होगी, लेकिन डिस्कशन इसमें हम सारी करेंगे, लाइक कि हमने अपनी आज तक जो किया और उसका जो बेनिफिट हुआ कम्युनिटी को, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, और इसके साथ जुड़ा बी लव का क्या फ्यूचर है ये हम डिस्कस करेंगे। तो अपने टीम्स को रेफर करें जितनी जल्दी हो सकता है ये लिंक, और फिर हम अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हैं। इतनी देर में हम अपने दोस्तों से क्वेश्चन कर लें कि हाँ जी रेडी हैं टिकट्स बाय करने के लिए आप लोग? जी संजीव, और जो टिकट बाय कर रहा होगा उसको इसका 15% कैशबैक जो है वो उसको मिल रहा होगा। तो ये एक आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी, और मैं इसको बताऊंगा कि अब आने वाले चंद महीनों में होने क्या वाला है। आज की मीटिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, बहुत जबरदस्त होने जा रही है, जहां पे आपके विजन कॉन्सेप्ट्स और रोड मैप आपका क्लियर हो जाएगा BFIC और बी लव के वाले से। तो ये यूटिलिटीज जो आ रही हैं ये कोई आम यूटिलिटीज नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है। हर प्रोजेक्ट अपने आप में एक रेवोल्यूशन है, और अनकरीब इसी मंथ में आपको दो नए यूनिक प्रोजेक्ट देने जा रहे हैं जो कि डेवलप हो चुके हैं। वो सरप्राइज इसलिए रखे हुए थे क्योंकि हमारे, आपको पता है, आप आइडियाज चोरी होते हैं, तो बैकएंड पे जिस तरह मैं पहले आपको कह रहा था कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो अब आप देखिएगा कि विदाउट रेफरल एक प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च होने जा रहा है इसी महीने में। इतना को आउट क्लास प्रोजेक्ट है, लेकिन वो बी स्टोर से रिलेटेड है, टाइम टू ट्रेवल से रिलेटेड है, ये इकोसिस्टम में आ रहा है प्रोजेक्ट, और आप वहां पे पर डे आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास होगी। आप $1,000 करते हैं, $10,000 करते हैं, $50,000 करते हैं, $1 करोड़ करते हैं, जितना भी करें, पर डे आप 1% डेली कमा रहे हो। ये दुनिया का एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है
जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पास होगी लेकिन आप पर डे 1% अर्न कर रहे होंगे। ये एक बिल्कुल ही यूनिक कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि लेकिन एक और शर्त है कि वो फंड्स जो आपके हैं वो BFIC में हो, ठीक है। तो इतनी फास्ट अभी तक आपने माइनिंग के प्रोजेक्ट्स में बी लव का, जिस तरह हमने कहा कि जी ये कहीं पे 500 दिन से पहले ट्रेड नहीं हो सकता, एक्सचेंजेस पे नहीं होगा, या हमने इसका कहा कि जी आपको इसमें यूटिलिटीज आएंगी, $2 पे आएगा, मंथली बेसिस पे आपकी बर्निंग होगी, कॉइंस बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको क्या है ना, ये बाइनरी प्लान है, ना ये मैट्रिक्स प्लान है, ना ये लेवल इनकम है। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट है जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट जितनी आपके पास है उसका 1% आप पर डे कमा रहे। बी लव में 1% इन शेप ऑफ टोकन मिल रहा था तो लोग बड़ा खुश थे, और मजे की बात कहूं इसमें पानी को, मजे की बात यह है कि इसमें कोई भी डाउनलाइन अपलाइन नहीं होगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो लोग पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं वो लोग आएंगे, और ये इतना रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है, ये हम मे बी आपको इस वीक में लॉन्च कर दें या मे बी नेक्स्ट वीक में लॉन्च कर दें। देखिए अब हम आए हैं अपने राइट ट्रैक के ऊपर, तो जब हम राइट ट्रैक के ऊपर आए हैं तो जो हमारी 3 साल की तपस्या थी या स्ट्रगल थी या जिस चीज के लिए हम 3 साल से काम कर रहे थे, अब हम उस स्टेज पे हैं कि अब हम डिलीवर की पोजीशन में आए हैं। अब आएगा मजा, और मुझे नहीं लगता कि अभी अब आपकी कंपनी के मुकाबले की कोई कंपनी है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये रियल यूटिलिटी बेस्ड है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि अभी हमारी एक कोलैबोरेशन हुई है एक कंपनी के साथ, जो कि थोड़े दिन में कल परसों चौथ में आपके साथ वो अपना शेयर भी करेंगे। वो दुनिया की पहले नंबर की एक कंपनी है इस क्रिप्टो इंडस्ट्री की, उसके साथ कोलैबोरेशन हुई है, और आप देखिएगा कि गेम क्या है। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हमने आज से 6 महीने पहले की हुई थी, साल पहले की हुई थी, 1.5 साल पहले की थी, लेकिन टाइम नहीं मैच हो रहा था, चीजें बैकएंड पे चल रही थी, वर्किंग बैकएंड पे चल रही थी, बहुत सारी कुछ चल रही थी लेकिन कंप्लीशन नहीं हो रही थी। अब जाके वो चीजें कंप्लीट हुई हैं। अब आप देखिए डेली बेसिस पे आपको नई से नई न्यूज मिल रही है, लाइक एक्सचेंजेस, यार मैं प्लीज डेली बेसिस पे आप देखें कि एक्सचेंजेस आ रही हैं, और ये सिलसिला अब चलता रहेगा। और ये एक्सचेंजेस के ऊपर क्या हो रहा है, BFIC की ब्लॉकचेन इंटीग्रेट हो रही है। एक दफा BFIC की ब्लॉकचेन इंटीग्रेट हो गई, उससे रिलेटेड जितने भी टोकन है वो उन एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करवाना सिर्फ 2 से 3 दिन लगते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन में मसला होता है। तो हम लोग अपने BLV के फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, हम लोग अपने BLV कम्युनिटी को एक अच्छी पोजिशन पे एग्जिट दिलवाने की तरफ जा रहे हैं। डेली प्रोजेक्ट, डेली यूटिलिटी, डेली एक्सचेंजेस, बहुत सारी चीजें डेली चल रही। अल्टीमेटली क्यों, क्योंकि हमने बी लव की कम्युनिटी को अच्छे बेनिफिट के साथ एग्जिट दिलवाना है। कैसे दिलवाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, आज की मीटिंग में मैं आपके साथ स्टैट शेयर करूंगा। तो बी लव की कम्युनिटी देखिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मैं आपको हमेशा से कहता रहा हूँ। किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बी लव की कम्युनिटी से हमें करोड़ों लोगों ने जाना, और इस कम्युनिटी को हम बेनिफिट दिलवाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे हर प्रोजेक्ट में ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जब हर प्रोजेक्ट में करेंगे तो अल्टीमेटली बेनिफिट होगा। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, मुझे कल के दिन में एक वॉइस मैसेज हमने किया परसों, और कल के दिन में बहुत सारे वॉइस मैसेजेस आए मुझे, मैंने कुछ सुने, ज्यादातर मैंने नहीं भी सुने। एक सेकेंड होल्ड कीजिए, ना
क्यों? अच्छा जी, बहुत सारे हमें मैसेजेस आए, बहुत सारे वॉइस मैसेजेस आए, बहुत सारी सजेशंस आए, और अच्छे अच्छे लीडर्स जिनके बारे में हम अक्सर जिक्र भी करते हैं, बड़े अच्छे उनमें लीडर्स भी थे। उन्होंने क्या किया कि इधर से मैसेज उनको किसी टीम की तरफ से आया और उन्होंने साथ ही आगे फॉरवर्ड कर दिया कंपनी को। लेकिन मैं आपको बताऊं, कल के दिन में बहुत सारे लोग साइंटिस्ट बने हुए थे, बहुत सारे लोग इकोनॉमिस्ट बने हुए थे, बहुत सारे लोग स्ट्रेटजिस्ट बने हुए थे, यानी कि डिफरेंट तरह की स्ट्रेटजीज और मशवरे और ये वो सारा कुछ, बहुत सारी चीजें थी। विदाउट नंबर्स, विदाउट स्टैट्स, विदाउट किसी और चीज के। तो जब वो सारी चीजें मैंने सुनी ना, तो उन दोस्तों के हवाले से मैं बता दूं कि वो ऐसे लोग थे जो लोग जिन्हों जिन लोगों ने मशवरे दिए, वो ऐसे लोग थे कि आज अगर हम उनको पान सिगरेट की दुकान खोल देना, तो यकीन माने उनसे वो भी ना चले। मैं आपको बड़ी सही बात बता रहा हूं कि पान पान की दुकान खोल लेना, वो उनसे वो ना चले, और वो इनोवेशन फैक्ट्री को मशवरे दे रहे थे विदाउट स्टार्ट। आपके मशवरे हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, हम उसके ऊपर बिल्कुल ऑन करते हैं उनको, आपके मशवरों की कदर है। लेकिन अगर कोई विदाउट स्टैट्स मशवरे दे, वो इंसान मुझे इंतहाई बुरा लगता है, माजरत के साथ। ठीक है कि आप कैसे मशवरा दे सकते हैं, आपके पास स्टैट्स ही नहीं है, आपके पास नंबर ही नहीं है, आपके पास कैलकुलेशन ही नहीं है, आप कैसे मशवरा दे सकते हैं। कोई मशवरा दे रहा था कि सर आप इसको क्या नाम उसका बर्न ना करें, इस तरह के सारे मशवरे जो थे बहुत सारे आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि यार कैसे लोग विदाउट मशवरे दे सकते हैं, विदाउट स्टैट्स। तो एक गुड न्यूज है आपके लिए, बल्कि दो न्यूज है, बताएं कौन सी शेयर करूं पहले, गुड न्यूज के बैड न्यूज, दोनों दोनों बैड न्यूज है, और बताएं आप कौन सी शेयर करें। बस सर जो आपको अच्छा लगे वो कर दीजिए खान साहब, हमारे लिए बस आप सारे शेयर। कि कल से पेमेंट जो बिल ऑफ की जो विड्रॉल चार्जेस हैं, पहली बात तो यह है कि वो 1% वाली जो ऑप्शन थी ना, पहली न्यूज जो थी कि जी हम महीने में एक दफा 1% देंगे, वो ऑप्शन नहीं देंगे अब हम, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो बीएफआईसी का पेमेंट गेटवे लगना था विड्रॉल के ऊपर, कंपनी ने जो लगाना था वो भी नहीं लगाएंगे, अब यूएसडीटी में लगेगा। तो ये दो न्यूज थी आपके लिए, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। नहीं, वाकई दोनों बुरी लगी, बाकी दोनों बुरी लगी हैं। बुरी लगी है ना, मैंने आपको कहा था। और ये बल्कि इसलिए आई है न्यूज, बहुत सारे लोगों ने मुझे ना अजीबो गरीब बातें की, बल्कि एक लेडी थी उन्होंने मुझे कहा कि जी आप बदुआएं ले रहे हैं, आप ये है ये, आप बदमाशी कर रहे हैं ये है वो है। मैं कहा अच्छा जी चलो आज आपको मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं करने लगा स्क्रीन शेयर, तो नाराज ना आपको हो सर, आईना देखना है, अगर लगे जिस जिस बंदे ने मशवरा दिया, अगर उसको लगे ना कि उसने कल गलत मशवरा दिया था, ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ना शर्मिंदा होना बनता है उसका। अब तसल्ली से जरा आज सुनना, मुझे आज कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मैं आज आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा, और उसके बाद मैं आपसे मशवरा लूंगा कि हमें 5% लेना चाहिए या एक दी ऑप्शन देनी चाहिए मजीद 1% वाली, हमें बीएफआईसी लगाना चाहिए विड्रॉल के लिए 1% या 5%, या हमें यूएसडीटी लगाना चाहिए, ये आप लोगों ने बताना। कितना कॉइन स्टेक पे है? तकरीबन 70 लाख, जिसमें से 6-7 लाख मार्केट में होगा। तो 6-7 लाख अगर मार्केट में है ना, तो इसका मतलब है कि कंपनी ने सिर्फ 6-7 लाख बेचा था, 70 लाख टोकन जो है, कॉइन जो है बीएफआईसी का, वो कंपनी ने लोगों को एज अ फ्री रिवॉर्ड में दिया। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 70 लाख को हम एवरेज, कि फॉर एग्जाम्पल
14 पे भी गया, 40 पे, 45 पे भी गया, ये एवरेज हम लगा लेते हैं इसको $20। कितना बना जी? 14 करोड़ डॉलर कंपनी ने 3 सालों में डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, अब हम अगली कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की जो कैलकुलेशन की थी वो भी यहां पे मैं दिखा नहीं सकता। वो तकरीबन कंपनी ने 40 मिलियन, $4 करोड़ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में दिया। पहले मैंने BFIC नेटवर्क की बात की, फिर मैंने इसकी की। अब हमने क्या किया, मैं अपना एस्टिमेट बता रहा हूं कि तकरीबन 18.5 अरब टोकन दिया कंपनी ने बी लव रिवॉर्ड में। अब हम इसको एवरेज प्राइस लगा लें। क्या एवरेज प्राइस लगाए जी, बताएं कि ये 18 रुपए पाकिस्तान में भी बिका है और 1 रुपए पे भी बिका है। ठीक है, तो एवरेज प्राइस क्या लगाए, तो 3-4 रुपए लगा लें सर। क्या 5 रुपए तक ले लेते लाइव, 5 रुपए नहीं 3 रुपए लगाते हैं यार। 3 रुपए काफी, हाँ सही, 3 रुपए ठीक है, 3 लगा लेते हैं एवरेज। अब इसको हम डिवाइड करते हैं जो PKR में डॉलर रेट है 298, कितना हो गया, $18,62,00,000। 18 करोड़ 62 लाख डॉलर मतलब के $186 मिलियन ये कंपनी ने बी लव में डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके जी, अब ये $186 मिलियन किसने लिया है? ये भी थोड़ा बता देते हैं। ये आप लोगों को मिला, आपने कॉइन रिवॉर्ड में मिला, आप लोगों ने बेचा और जिसको बेचा उसे पैसे आपने लिए, कंपनी ने नहीं लिए। कंपनी ने 2 IPO में जो लिए थे आपको पता है, कोई जितने आए थे उससे कई गुना ज्यादा लग चुके हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, आज मेरी बातें जरा गौर से सुनी है आपने, और जाए कोई ना, और अगर किसी ने दोबारा उल्टा मैसेज किया, मुझे किसी का भी मैसेज फॉरवर्ड किया तो मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर देना है। वो बेशक टॉप का लीडर हो या जो मर्जी हो, ये बात ध्यान में रखें, मेरे पास सारी न्यूज पहुंचती। आप लोगों के लिए इतला के लिए अर्ज है कि जब कंपनी शुरू हुई थी तो इसमें 4 पार्टनर्स थे, ठीक है, और जिसमें से 3 पार्टनर्स कंपनी का सारा पैसा लेके साइड पे हो गए थे, और मैं खड़ा रहा खाली हाथ, कंपनी को चलाया और यहां तक लेके आया, आगे लेके आया। क्यों किया ऐसा, किसके लिए किया, आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि कंपनी बंद करो, उनके समझ के हिसाब से कंपनी नहीं चल रही थी, तो मैंने कहा कंपनी तो बंद नहीं होनी भाई, आप बताओ कैसे एग्जिट हो गए, तो पैसा देके उनको साइड पे कर दिया अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए, आप लोगों को लॉ से बचाने के लिए। और अगर ये मैं उनकी बात मान भी लेता तो पैसा डिवाइड हो जाना था, और कंपनी जो थी, इस तरह की बहुत सारी लाखों एग्जाम्पल है, कंपनीज बेहिसाब बंद हुई है, ये बंद हो जाती कोई अनोखी काम नहीं होना था, लेकिन आपके भाई ने पैसा देके कंपनी को स्टैंड किया, कंपनी ले ली, कम्युनिटी ले ली और कंपनी यहां तक पहुंची, उसके बाद आपने इतना पैसा बना लिया। तो ये बात भी जरा आपने गौर रखनी है कि सेक्रीफाइस किसने किया और किसके लिए किया। और जो लोगों को, जिन लोगों को ये लगता था कि उनके हिसाब से कंपनी नहीं सही चल रही, यानी कि मैं अगर फैसले करता था, मेरे डिसीजन थे और मेरी स्ट्रेटेजी थी, वो सही नहीं चल रही थी, तो जब उन्होंने अपना दिमाग लगा के अपना हिसाब से अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो आज आपने उनकी देख ली कि उनकी कितनी समझ थी, कितनी अकल थी और क्या किया। बहुत बहुत समझदार लोग आए, बहुत बहुत समझदार लोगों ने मशवरे दिए, जब खुद करना पड़ा ना तो पता चला कि बेड़ा गर्क करवा दिया। तो बेहतर क्या है कि जो कर रहे जिस तरह से कर रहे उसके साथ खड़े रहेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप लोग इस तरह करेंगे, कहते हैं तो मैं ट्रेलर दे देता हूं आपको, कोई बात नहीं, मेरे लिए BFIC ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो
तो जो एक्सपेरिमेंट हमने उसमें नहीं किया इसमें कर लिया। अब आप बी लव की बात मैं करने लगा, गौर से सुनिए। कंपनी ने क्या कहा जी, कंपनी ने पहले दिन कहा कि भाई जो रिवॉर्ड है वो तो छोड़े, मैं आपको कंपनी की बात कर रहा हूं। पीडीएम में लिखा कि कंपनी जब चाहे जिस तरह का चाहे चेंज कर सकती है प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए। दूसरा कंपनी ने क्या कहा कि हम 500 दिन तक इसकी कोई यूटिलिटी नहीं देंगे, 500 दिन तक हर महीने बर्निंग होगी जिसकी वजह से प्राइस अप्रिशिएट होगी, और जो बंदा $1,250 के 0.0125 के हिसाब से 1,00,000 टोकन लेगा वो $2 पे कंपनी उसको एक साथ 50 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करेगी और वहां पे इतनी यूटिलिटीज क्रिएट करेगी कि लोग वहां पे $2 पे एग्जिट लें। ऐसा ही कहा जी, कोई लफ्ज अगर मेरा ऊपर नीचे हो तो मुझे जरा आपने रोकना है, बताएं जी। नहीं यार बिल्कुल ठीक ही है, बिल्कुल यही कहा मैंने। ओके थैंक यू वेरी मच। तो कंपनी ने क्या कहा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि कंपनी ने कहा कि हम 500 दिन तक यूटिलिटीज बनाएंगे, उनको चलाएंगे और 500 दिन एक ही दिन में 50 से 100 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करेंगे, और दूसरी साइड पे यूटिलिटीज जो है वो इतनी बन चुकी होंगी कि जब आप लोग बेचने जाएंगे 500 दिन बाद तो उस वक्त आपका बायर उससे ज्यादा वैल्यू का खड़ा होगा जो कि आप बेच के अपने यानी के $2 के हिसाब से या ऊपर काम थोड़ा बहुत हो जो भी हो उस रेट पे आप अच्छे रेट पे प्रॉफिट में निकल जाए। Am I right? ठीक है, बराबर बराबर है। Yes. ओके। अब एक बंदा फॉर एग्जांपल $1,250 लगा लिए, 5x कॉइन लेके अच्छे खासे 2-3 दफा उसको सर्कुलेट करके कंपाउंड करके अच्छे खासे पैसे निकाल लिए, या हम एक बात करते हैं जिसने फॉर एग्जांपल जो बहुत सारे लोग समझदार कहते हैं हमने तो अभी लगाया था हमें तो रिवॉर्ड ही नहीं आया, ठीक है, तो हम मान के चलते हैं ऐसे बंदों को लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर समझ आएगी। जिन्होंने कमा लिए वो बहुत अच्छी बात है। एक बंदे ने पाकिस्तानी ₹1 पे लेके ₹1,00,000 के 1,00,000 टोकन ले लिए, ठीक है, अब वो डॉलर में कितना बना, $350, 1,00,000, $350 भी नहीं $325 बना तकरीबन। अब वो बंदा उसकी जरा समझ सुने, $325 लगा के वो $2,00,000 लेने का ख्वाहिशमंद है कि जी मैं $2 के ऊपर बेचूंगा तो $325 का $2,00,000 में लूंगा, मुझे बताए मजाक चल रहा है कुछ है, मुफ्त में कौन सी चीज मिलती है। यहां पे वो कहता है मैं 1% $200 नहीं दूंगा विड्रॉल का, अगर आप यूएसडीपी में लगाएं तो यूएसडीपी जिस रेट पे बिक रहा है आपका तो $100 नहीं बनता, लेना आपने $2,00,000 है, $100 देते हुए आपकी जान जा रही है तो लेने लेना ही है बस, यहाँ पे देना नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूं कि $2 के ऊपर आएगा क्या, ये भी सुन लें, 50 एक्सचेंजेस अगर आपको, बल्कि जिन्होंने सवाल किया उनको तो समझ ही कोई नहीं है, लेकिन मैं आपकी इतला के लिए अर्ज है कि 50 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट करने के लिए कंपनी को 50 एक्सचेंजेस को पैसे देने पड़ते हैं, और पर एक्सचेंज जिसमें tier 1, tier 2, tier 3 की मिलाप लूके पर एक्सचेंज जो है वो कम से कम $1,00,000 बनता है, तो $50,00,000 ये हो गया। फिर उसके बाद कम से कम $1,00,000 की लिक्विडिटी डालनी पड़ती है, तो मतलब $50,00,000 ये हो गया। उसके बाद कंपनी ने जो बाकी प्रोजेक्ट चला रही है जहां से यूटिलिटी लेके आनी है उन प्रोजेक्ट्स को बनाने में चलाने में मार्केटिंग करने में ऑफिस एक्सपेंस में बहुत सारी चीजों में पैसा लगना है, ये सारा पैसा लगना है तो जाके आपका 50 एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना है और तो जाके आपकी यूटिलिटीज आनी और तो जाके आपने $350 का अपने $2,00,000 लेना है। आई समझ, ये जो कंपनी 1% ले रही है, आप नहीं देना चाहते मैं फ्री कर, मैं आपको सारे कॉइन कल देता हूं 100%, कोई विड्रॉल चार्जेस नहीं है कुछ नहीं है भाई मेरे पास, मैंने घर से तो पैसे लेके नहीं आने, ये 1% आपने देना है
वो भी जो अभी तक दिया वो यूएसडीपी वालों का उतर गया, उसमें कंपनी को कोई पैसा नहीं आया। अभी जो बीएफआईसी की मद में देंगे वो भी लोगों के पास जो बीएफआईसी पड़ा वहीं से आएगा, कंपनी को कुछ नहीं देना, लेकिन उसे बाकी प्रोजेक्ट्स को फायदा होगा। कंपनी या तो पैसे लेती है फायदा लेती है, तो यहाँ पे कंपनी को अगर फायदा हो रहा है बीएफआईसी प्रोजेक्ट में तो कंपनी वो चार्ज करिए, नहीं करी कोई बात नहीं, डजंट मैटर, ना दे। जिसको तकलीफ हो रही है 1% देने में ना दो, कोई भी ना दे। मैं क्या करता हूँ भाई, कल के दिन में सारे विड्रॉल करता हूँ आपके, सारे बिलअप टोकन आपको देता हूँ, और मैं किसी डीजी फिनिश के ऊपर लिस्ट हुआ है वहां पर मैं ट्रेड शुरू करा दे, तो कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं बचा सकते जिसकी, कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं यूटिलिटी देने की, कंपनी की कोई जिम्मेदारी $2। ओके, फिर आप अपना जो दिल करे वो कर, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि कंपनी यूटिलिटी भी दे, कंपनी आपको 50 एक्सचेंजेस पे भी दे, कंपनी आपको $2 की प्राइस के ऊपर भी लिस्ट करवाए, अगर ये सारा कुछ चाहते हैं तो भाई कल से आपने 5% फीस देनी इन शेप ऑफ यूएसडीटी। क्यों? क्योंकि कंपनी को ये सारे काम करने के लिए पैसे चाहिए और यूएसडीटी में चाहिए। अब वो खत्म हो गए खेल यूएसडीपी और बीएलबी और बीएफआईसी का। मजाक चल रहा है, कंपनी इतना कुछ करती है, मजाक होता है वो सारा कुछ? ये बताएं, आज तक आपने जितनी चीजें देखी कंपनी के हवाले से कि कंपनी ने इतने प्रोजेक्ट डेवलप कर लिए, कंपनी ने, मुझे बताएं कंपनी ने आज तक अपनी कौन सी मिस कमिटमेंट की है बताएं? देर सवेर हुई है, जो जो कमिटमेंट्स की हैं कंपनी ने वो ऊपर वाले ने उसको पूरा करवाया। कोई एक कंपनी बता दें जो यहां से समझदार उठ के गए, जिन्होंने अपनी कंपनी बनाई हो, क्या डिलीवर कर दिया उन्होंने, क्या दिया? लोग डूबे, लोगों का नुकसान हुआ, यहाँ पे किसका नुकसान हुआ है? मुझे कोई एक बंदा निकाल के दिखाए कि जी मेरा 1 रुपए का भी नुकसान हुआ है, या कोई ये बंदा कह दे कि भाई मैंने कंपनी को ये पैसे दिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उन्होंने कंपनी को पैसे दिए, कंपनी को कहाँ से दिए भाई? कंपनी ने कब अपना टोकन, 2 ITO के बाद कंपनी ने कब टोकन बेचा बताए? कोई मुझे साबित करे कि कंपनी के वॉलेट से कोई टोकन निकल के गया हो जो कंपनी ने बेचा, या शुरू में 5-6 लाख जो बीएफआईसी बेचा था उसके बाद कंपनी के वॉलेट देखे वहां से दिखाएं बताएं मुझे, ब्लॉकचेन पे पड़े में ना बताएं ट्रांजैक्शन देखे कि कंपनी के वॉलेट से कोई बीएफआईसी मार्केट में बिकने गया हो, दिखाएं मुझे, साबित करें, मैं आपको पैसे भरूंगा। जितने कॉइन गए होंगे बिकने के लिए उतने कॉइन की करंट वैल्यू के हिसाब से पैसे दूंगा। कंपनी को क्या दिया किसी ने? जितना दिया उससे कई गुना ज्यादा बेनिफिट लिया। आपने $2.5 के ऊपर 5 लाख टोकन खरीदे थे कंपनी से, कंपनी ने आपको 70 लाख कॉइन दिया हर रेट के ऊपर, 10 पे 15 पे 20 पे 25 पे 30 पे 35 पे 40 पे, एवरेज हर बंदे ने हर रेट के ऊपर मजे लिए, कमाए पैसे। बी लव कंपनी ने 2 ITO में दिया, बाकी 18.5 अरब आपने ही बेचा, 18 पे भी आपने बेचा, 15 रुपए पे भी आपने बेचा, 10 रुपए पे भी आपने बेचा, 1 रुपए पे भी आप बेच रहे। बताएं कंपनी ने अगर बेचा हो तो, या कोई बंदा कहे कि जी मैंने कंपनी से उमर खान से कॉइन मांगे थे तो उसने मुझे इतने कॉइन दिए थे, कोई साबित करे बंदा, है कोई बंदा ऐसा? तो बात ये है कि मैं ओपन हूं, मुझे कोई मसला नहीं भाई, आपको 1% देने में मसला आ रहा है, बल्कि अब कल से 5% देने में अगर मसला आ रहा है कोई बात है, ना दे, मुझे नहीं चाहिए। क्यों? मुझे जो चाहिए वो किस लिए चाहिए कि भाई मैंने ये काम करवाने हैं, एक्सचेंज लिस्टिंग करवानी है मैंने बी लव के लिए, मैंने वहां पे यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स करने, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, बहुत सारे काम है, मैं ये बंद कर देता हूँ, मैं नहीं करवाता, मुझे कौन सी चट्टी पड़ी है, मैं दिन रात टेंशन लेके बैठा रहूं, नहीं से नहीं स्ट्रेटजी, नहीं से नहीं पंगे, नहीं से नहीं प्लानिंग, नहीं से नहीं चीजें आप लोग को दे रहा हूं। और आज मैं आपको बताऊं, अब हम बात करते हैं, एक और शेयर करता हूं, एक दोस्त ने मुझे कहा, उसकी भी सुन ले, एक दोस्त ने कहा कि जी मेरी नजर में बुलेटो प्रोजेक्ट जो है वो फ्लॉप है, ये कहा मुझे उसने। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा गौर किया जाए, कैसे फ्लॉप है जी? पर 1.5 महीने में $33 मिलियन इस प्रोजेक्ट से लोगों ने कमा लिया। कितने लोगों ने? 77,000 लोगों ने $33 मिलियन कमा लिया लोगों। मुझे कोई दुनिया की कंपनी तो उठा के दिखाए जो आपकी नजर में हो, जिसने $33 मिलियन तक पहुंची भी हो,
2 से 3 मिलियन डॉलर किसी कंपनी के पास आता है ना उसके किसी प्रोजेक्ट में, तो कंपनी के हाथ पैर भूल जाते हैं। जो ऑनर होते हैं ना उनको ये समझ नहीं आती कि अब ये पैसा मैं लपेटू कैसे और मैं निकलू कैसे और इस पैसे को मैं आगे इस्तेमाल कैसे करूं। 2 से 3 मिलियन की बात कर रहा हूं। यहां पे एक प्रोजेक्ट जो आपकी नजर में ऐसा है कि प्रोजेक्ट ऐसा कोई इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है, तो मेरी नजर में भाई ये सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। और ठीक है, डिस्टरबेंस आ रही थी यूएसडीबी की शेप में, वो खत्म हो गई है। अब जो आपको पता है इसकी स्लॉट के चार्जेस, आप ऑटोमेटिकली देखिए आप प्रोजेक्ट दौड़ेगा। ये मुझे पता है प्रोजेक्ट दौड़ाना कैसे है। रीजन क्या है कि मैं उन लोगों से मशवरे नहीं लेता जिन जो लोग अपनी पान की दुकान ना चला पाते हैं, क्या समझे। तो थोड़ा सा अगर आपको लगता है ये लॉजिक ठीक है, ये बात ठीक है कि कंपनी अगर 1% चार्ज कर रही है तो उसके बदले आपने 2 लाख डॉलर का सोचा हुआ है, मैं कहता हूं 2 पे नहीं निकलते, 10,000 पे ही निकल जाए, 2 तो चलो बहुत बड़ी बात है, मैं बात कर रहा हूं। लेकिन कंपनी जिस तरह से कर रही है, कंपनी जो कुछ कर रही है 2 डॉलर से ऊपर जाएगी, वो कैसे जाएगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, आपको लग रहा है 2 डॉलर मजाक है, मैं आपको दिखाता हूँ ये अब जाएगा कैसे। बी स्टोर को जरा गौर करना है, इसमें होने क्या जा रहा है। बी स्टोर में आपको 15% कैशबैक है, ठीक है, आपको क्या लगता है ये सीधा सीधा चलना है या हमने इसके हवाले से सोचा नहीं होगा। अब एक मोबाइल वाला है, ठीक है, वो पूरा महीना काम करता है 2%, 3%, 4% के ऊपर, ठीक है, पूरा महीना उसने मिसाल के तौर पे 1 करोड़ का माल डाला हुआ है, तो उसको मैक्सिमम कितना बच जाता होगा, 10%, 15% बच जाता होगा, क्योंकि 2-3% जो उसकी कमीशन होती है उसको रोटेट करना होता है 2-3 दफा। मैं आप होलसेलर रह चुका हूँ कि अगर मेरे किसी पुराना दोस्त है मीटिंग में तो उसको पता होगा कि फी सेंटर में मेरी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 3 दुकानें थी, ठीक है, मेरा आगे ऑफिस था बड़ा जहां से मैं तकरीबन कोई 600-700 मोबाइल शॉप्स को मैं माल होलसेल में देता था, ठीक है। तो लोगों ने क्या करना है, लोगों ने क्या करना है कि यहां से अपनी प्रोडक्ट बेची, यहां से अपना पैसा डाल के खरीद ली जो कि एनएफटीज में होता है, तो डाल दी, उन्हें पता है कि 15 दिन बाद मुझे 15% का प्रॉफिट होना है, या 10 दिन बाद जब कंपनी की तरफ से पेमेंट रिलीज होनी तो मुझे 10% का प्रॉफिट होना है। इस तरह लोगों ने क्या करना है, पूरे पूरे महीना करना है, महीने में 3 सर्कल कमाने अपने पैसों के, ठीक है, तो लोगों ने 45-45% कमाना है, वो 1% वाले प्लान कुछ और है, ठीक है। तो जब लोगों ने गाड़ियां लेनी है और जेनवन यहाँ पे जब गाड़ियां आएंगी तो आप देखिएगा इस तरह का। बी स्टोर में क्या मसला था, बी स्टोर में मसला था कि लोग जो आएंगे सेलर और बायर, इनको मसला है कि भाई हम INR में पेमेंट करना चाहते हैं, INR में लेना चाहते हैं, हम PKR में पेमेंट करना चाहते हैं, PKR में लेना चाहते हैं। आपको जो एक चीज छुपाई भी थी ना, क्यों, आपको पता दुनिया में आइडिया ही बिकता है, यही एक क्वेश्चन मार्क था सबके पास, 2 क्वेश्चन मार्क थे, कंपनी 15% कहां से देगी, स्पॉन्सर को 5% कहां से देगी। दूसरा क्वेश्चन मार्क क्या था जी, कि कंपनी जो है पेमेंट गेटवे, हर बंदा तो कॉइन नहीं ले सकता, ठीक है, ना दे सकता ना ये, इस पे ज्यादा लोग समझ नहीं आएंगे, तो कंपनी कैसे करेगी मैनेज। ये जो 2 क्वेश्चन मार्क थे ना, अब प्रोजेक्ट रेडी हो गया, लॉन्च होने वाला, अब जब आपको मिलेगा ना इंटीग्रेट होके, आप देखना हर बंदे की ख्वाहिश होगी कि वो बी स्टोर के ऊपर आए, सिस्टम ऐसा करने लगे कि आप INR में दे रहे हैं पेमेंट, ठीक है, और कंपनी को BFIC में मिल रही है, सेलर जो है उसको कंपनी BFIC दे रही है लेकिन उसको अकाउंट में INR में मिल रहा है, ये सिस्टम होने जा रहा है। तो आप देखें बहुत सारे लोग, हर बंदा क्या होगा, हर बंदे ने, क्योंकि उसको पता है कि मेरे कारोबार से मुझे इतना बचना नहीं बचना, यहां पे मुझे महीने में 3 ट्रांजेक्शन हुई तो मुझे 15-15% करके मेरा पैसा हर महीने 50% आ रहा है। कितनी बड़ी यूटिलिटी है BFI कॉइन की, कितने लोग होंगे,
जेन्युइन आस्था प्रोडक्ट्स जो डिलीवरी कर रहे होंगे, जो घर ले घर पे बैठे बाय कर रहे होंगे, बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि अब हम जिस सोल्यूशन के साथ आ रहे हैं वो आपको पता चलेगा कि बी स्टोर था क्या। मैं बी स्टोर पे बात नहीं कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था, मैंने कहा एक दफा कंप्लीट होने दो, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं बताऊंगा। तो ये एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, सिर्फ दो कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, दुबई, ये तीन कंट्रीज की बात कर रहा हूं। इन तीन कंट्रीज में बिलियंस ऑफ डॉलर का डेली का लेन देन होगा। जो सोल्यूशन जो जो थे ना हिडन इसके यानी कि कह लो के आइडियाज, वो जो छुपाए हुए थे, जब वो आपके सामने आएंगे ना तो बिलियंस ऑफ डॉलर लोग यहाँ पे लेके आएंगे। और इसके साथ जो अगला प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें 1% आपने अपने पैसे का डेली कमाना है, कमाएंगे बीएफआई से। उसके बाद ओके एफएक्स, दुनिया की सबसे बड़ी कह लो के इंडस्ट्री, तीन टाइम टू ट्रेवल, इसमें भी वही काम होना है जो बी स्टोर में होना है। तो मैं आपको बताऊं कि कंपनी 4 रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट इस महीने में लॉन्च कर रही है। कौन सी? ओके एफएक्स, बी स्टोर, टाइम टू ट्रेवल, और ये जो मैंने आपको एक हिडन प्रोजेक्ट बताया जिसमें 1% है पर डे। निकाल के दे मुझे कोई प्रोजेक्ट ऐसा कि पैसा आपके पास है, 1% कमा रहे हैं पर डे। तो ये जब प्रोजेक्ट, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स, इतनी बड़ी यूटिलिटीज, तो इमेजिन करें कि कंपनी जब 500वें दिन ट्रेडिंग पर डालेगी और इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर या बाकी जो भी प्रोजेक्ट आएंगे इन सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर बी लव होगा पेमेंट गेटवे, तो एक ही दिन में बिलियंस ऑफ डॉलर की यूटिलिटी बी लव को मिलेगी। ठीक है, एक ही दिन में। तो कंपनी को समझ है, कंपनी को पता है, और अगर आपको लगता है कि आप कंपनी से ज्यादा समझदार है तो मेरे भाई आप यार माइक बंद कर दें। अगर आपको लगता है कि कंपनी से ज्यादा समझदार है, मैं आप किसी को नहीं कहूंगा। देखें, जो लोग कंपनी की समझदारी के साथ अटैच रहे डे फर्स्ट से आज तक, आज उनकी जिंदगियां बदल गई हैं। यहां पे भी अगर किसी को लगता है कि भाई वो ज्यादा समझदार है या कंपनी गलत कर रही है, तो मेरी तरफ से आपको ओपनली है कि आप कहीं और देख लें, कुछ और कर लें, साइड पे बैठ जाए, इसमें मुझे बुरा नहीं लगेगा, कोई ऐसा मसला नहीं। क्यों? हम अपने राइट ट्रैक पे आ चुके। और जिसको लगता है कि 5% फीस ज्यादा है, कैलकुलेट करके देख लें, 0.03 कल से प्राइस है, कैलकुलेट करके देख लें। अगर आपको लगता है कि 5% फीस कंपनी ज्यादा ले रही है और आपको एंड पे $2,00,000 और आपको आज के $2,000 में अगर कोई फर्क लगता है कि यार नहीं बनता, तो आप ना लें, कोई बात नहीं। आपके लिए तो ये प्रोजेक्ट था ही नहीं, आपके लिए बेहतर है कि आपके कॉइन भर लो 100 दिन बाद। जिसने ले लिए ले लिए, जो नहीं ले सका उनके कॉइन बर्न हो और वो बर्न हुए हुए कॉइन का फायदा लोगों को। अगर आपको 5% देने में भी कोई मसला आएगा तो भाई बेहतर आप बर्न करवा लें, अच्छी बात है, कंपनी को भी फायदा, लोगों को भी फायदा। भाई आपकी वजह से हम उन लोगों को क्यों नुकसान दें जो लोग, जिन लोगों ने 5% भी दिया, जो लोग 1% भी दे रहे हैं। उनका विजन है, उनका उनको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, उन्हें पता है कंपनी ने आज तक सिर्फ दिया ही दिया है, लिया नहीं है। और उन्हें पता है कि जो कंपनी कर रही है, जो नजर आ रहा है, आज तक ऐसा कभी किसी कंपनी ने दिया। मुझे बताया बहुत सारी कंपनीज आई, उन्होंने कहा हम ये यूटिलिटी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, किसने दिया आज तक यूटिलिटी बताया मुझे? कोई नेटवर्क मार्केटिंग की कोई एक कंपनी जिसने डिलीवर किए हो प्रोजेक्ट्स, जो इस तरह खुल के बैठे हो, जिसकी मैनेजमेंट सामने हो, बताया कोई कंपनी, कोई ऐसा बंदा? लोग तो ये भी कहते हैं भाई मेरी कंपनी नहीं है, मैं तो एज ए इन्वेस्टर हूं यहाँ पे, मेरा MLM से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम इसमें काम कर लो, इसमें इन्वेस्ट कर दो, ये अच्छा प्रोजेक्ट है, लो आ गया अच्छा प्रोजेक्ट सामने। जो बाकी गलत फहमियों में बैठे हुए है ना, पता चलेगा 2-3 महीने ठहर जाए, नहीं नहीं बहुत अच्छी चीज होती है, आपको उनके भी सारी अकलमंदियां समझदारियां नजर आ जाएंगी जब अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे। अभी तक तो वो कम जो हमने सिखाया हुआ पढ़ाया हुआ वो चल रहा है ना, जब अपने दिमाग पे पड़ेगी ना, जब अपने गले में ढोल तो डाल ली है, अब जब बजाना पड़ेगा ना, तो फिर पता चलेगा कौन कितना समझदार है, तो उनका भी समझ आ जाएगा। तो मुझे बहरहाल बात करने का पर्पज ये है भाई, गुड न्यूज ये है कि कल से 5% फीस है और USDT में लगेगी।
BP20 USDT, ठीक है? ओके, मेरी तरफ से इतना ही है, और कोई बात जी कोई करना चाहता तो करें जी, बोले। सर उमर सर, थैंक यू सर, आपने जो अपॉर्चुनिटी दी वो सभी के लिए एक ही जैसी है, क्योंकि अभी मैं बात ही कर रहा था कहीं ना कहीं टाइम टू ट्रेवल की, अगर वो टिकट बाय होना अगर हो गया वो गेटवे तो टिकट क्या अगर आप दिखा सकते हैं सर तो कंपनी ने इतना रिलीफ दिया आसन टाइम टू ट्रेवल का लिंक दे दो हो गई तो 5% की जगह भाई 1% का लोगों को दे दें कंपनी अपॉर्चुनिटी की, यार चलो 1% पे ले लो ठीक है। खाब मैं देख रहा हूँ $2 लाख के, कि मैंने 1 लाख टोकन है जी, मैंने $2 लाख का बेचना है, मैंने अपनी जिंदगी बदल दी भाई। जिंदगी उन्हीं की बदलती है जो रिस्क लेते हैं, और दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, क्या समझे हैं? आपको कंपनी ने जितना मुफ्त में दे दिया वो दे दिया, आप जो बाकी कमिटमेंट्स पूरी करनी है उसके लिए कंपनी को भी कुछ मुफ्त में नहीं मिलना, उसके लिए भी कंपनी के पैसे लगने हैं, ठीक है? तो जिसको समझ नहीं ना आती वो ना दे, पड़े रहने दे कॉइन, कोई बात नहीं, बर्निंग हो जाएगी। मैं चाहता हूँ वो लोग पछताए 500 दिन, जब जो जिन लोगों ने ट्रस्ट किया, जब वो एक अच्छे बेनिफिट लेके, फॉर एग्जाम्पल $1,00,000 लगाया था और उसको $70,000 निकल आया, मैं 2 लाख की बात नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता $50,000 निकल आया, फिर समझ आएगी लोग। और समझ हमेशा हमारी प्रोजेक्ट की, हमारी चीजों की, हमारी बातों की बाद में ही आती। जी शाहजी, जी सीनियर हमारे साथ है, कुछ कहना चाहते हैं जी? हेलो जी, किंग खान साहब, जी सीनियर महेश जी, बस सर आपकी बातों को समझ रहे हैं कि मार्केट में इसको कैसे क्या समझाना है, कोई जिम्मेदारी नहीं $2 की, कोई जिम्मेदारी नहीं है कि भाई प्राइस क्या होगी, सारे ले लो विड्रॉल जाओ कर लो, कोई यूटिलिटी की जिम्मेदारी नहीं है, कर ले जो करना है। लेकिन अगर हमने एज पर रोड मैप चलना है तो उसके लिए तो भाई आपको देनी पड़ेगी। तो सो मतलब बहुत ये हुआ कि 1% की जो ऑफर है वो अब ये आखिरी आज, अगले 2 महीने कभी नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप देंगे 2, ठीक है? और वो 0.25 के हिसाब से लगेगा पर BBTC, तो बड़ा मजा आने वाला है, बहुत ही जबरदस्त काम होने वाला है। और आपका टाइम ट्रेवल जो है आप उस पर टिकट जब बाय करेंगे, बहुत सारी यानी कि जो यूटिलिटीज आ रही है, अब आपको मजा आएगा। और असल मजा आएगा जब बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेडिंग शुरू हो, क्यों? क्योंकि हम विद यूटिलिटीज आ रहे हैं, हमारा पॉइंट कॉन्टिन्यूसली ग्रो करेगा, और जब ग्रो करेगा तो उन बड़ी एक्सचेंजेस के जो मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं वो यूजर हमारे पॉइंट में आएंगे, देखेंगे, आना शुरू हो जाएंगे और मजा आएगा। हमने टारगेट ये बनाया हुआ है कि टोटल फोकस PFIC है और प्राइस इसकी 500 के ऊपर लेके जाए, ये हमने टारगेट बनाया हुआ है। मुझे पता है बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कंपनी ने पहले $50 का कहा नहीं किया, या कंपनी ये करी, कोई ऐसा मसला नहीं। वो एक होता है ना, शेयर आया शेयर आया शेयर आया, तो वो लग पता जाएगा, इजी रहे। मेरा सिर्फ आपको फिर एक मशवरा दूंगा कि अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कम से कम एक BFIC अपने लव वॉलेट में रख लें या मेटामास्क में रख लें, एक्सचेंजेस में ना रखें, एक एक BFIC साइड पे कर दें, ताकि आपके बच्चों की लाइफ में परिवर्तन आए। जी हमारे लीडर्स कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, मैं निकलवाना, अगर हमारे प्रोजेक्ट में अल्लाह ना करे किसी को नुकसान होता है ना सर, दुख भी होगा, तकलीफ भी होगी, और शायद ये चीज मैं खुद भी ना बर्दाश्त कर, क्या समझे? मेरी मेरे लिए भी फेवर करें, ये मेरी फेवर है कि मैं चाहता हूँ लोग बेनिफिट में नहीं, सिंपल। और आपको मैंने आज खुली डुली बात बता दी कि कंपनी खुद से कुछ नहीं ले रही है, अगर लोगों को ये लग रहा है 1% कंपनी कमा रही, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये जिसने कल से 5% देना वो कंपनी नहीं कमा रही, वो लोगों को ही उसका बेनिफिट होना है और वो कंपनी के ऊपर ही लगने हैं।
हम ये नहीं कह रहे कि कंपनी के पास पैसा आएगा तो कंपनी लगाएगी। आपने देख लिया मिलियंस ऑफ डॉलर कंपनी ने लगाए हैं कंपनी के ऊपर, डिफरेंट जगह पे, प्रोजेक्ट्स पे, इवेंट्स के ऊपर, मार्केटिंग के ऊपर, डिफरेंट जगहों पे मिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हैं। तो यहाँ से एक्सचेंजेस लिस्टिंग के ऊपर, यूटिलिटीज के ऊपर, हर चीज के ऊपर, तो यहाँ से आपको इस बात पे बिलीव होना चाहिए कि भाई कंपनी पैसा लगाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी के पास कुछ भी जा रहा है तो वो कंपनी लगा रही है, उसको नजर आ रहा है। बाकी मुझे कोई एक कंपनी दिखाए जिसने कहा हो कि जब लगाएंगे करेंगे, किसी ने लगाया हो, आया हो नजर, ठीक है।